हाय, आई एम आबिद खान फ्रॉम मिराकल एक्यूपंक्चर एंड होम्योपैथी क्लिनिक न्यू दिल्ली। आज मेरे सामने नई दिल्ली की अनीता ठुकराल जी बैठी हैं। ये मेरे पास क्लिनिक पे अपनी कमर का दर्द लेके आई थी, जो कि इनको ना चलने देता था, ना उठने देता था, ना बैठने देता था। जब इनका MRI कराया गया तो उसमें इनकी रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन या तनाव आने की वजह से एक पैर में इतना दर्द जाता था, जिसे हम शाइटी का पेन बोलते हैं, उसकी वजह से ये चल नहीं पाती थी, झुक के चलती थी। और इन्हें दो आदमी मेरे क्लिनिक पर उठाकर लेके आए थे, मगर एक्यूपंक्चर की मदद से आज ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें अस्पताल वालों ने ऑपरेशन की सलाह दे दी थी और ये आज बिल्कुल ठीक है। तो अनीता जी आपको खुद बताएंगी एक्यूपंक्चर से इन्हें कितना फायदा लगा। बोलिए अनीता जी। हाय, मैं अनीता ठुकराल 2008 में डॉक्टर साहब के पास आई थी। दो बंदे मुझे लेकर आए थे, जबकि मैं उठ नहीं सकती थी, चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, और मेरे हर सांस में चीख थी और एक राइट साइड में बिल्कुल बेंड हो गई थी। और हफ्ते में मेरे को उनके ट्रीटमेंट से, एक्यूपंक्चर से इतना फ़ायदा हुआ कि मैं स्टिक लेके चलने लग पड़ी और मेरी पेन बहुत ही कम हो गई। 15 दिन में तो मैं नॉर्मल चलने लग पड़ी, और स्टिल अभी भी मैं इनसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ 2008 से लेकर आज तक। अब मैं इनसे अपना कैटनिन का भी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जिससे कि मेरा यूरिया एंड कैटनिन, जो किडनी का बहुत हमारे बॉडी में मेन है, किडनी खराब हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मेरा स्टेबल है। अगर कभी बढ़ भी जाता है तो मैं अपना ट्रीटमेंट लेती हूँ, मेरा नीचे आ जाता है। और ये भी मुझे कई सालों से है कैटनिन की भी दिक्कत, तो कई सालों से मेरी किडनी ऐसे ही इस ट्रीटमेंट से स्टेबल। अनीता जी, जब आपको अस्पताल वालों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, ये भी बताएं कि आपको ऑपरेशन बोल दिया गया था रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल सर्जरी का, तो आपने वो नहीं लिया। हाँ, सब डॉक्टर्स ने मुझे दिल्ली में, मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन करवाइए, आपकी नस दब गई है रीढ़ की हड्डी में, ऑपरेशन से ही निकलेगी। बट मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं डॉक्टर साहब के पास आई और आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू वेरी मच।